ये जिस स्थान पर शिविर लग रहा है वो भारतीय ग्राम्य आलोकायन नाम की संस्था है और शिविर है क्षत्रिय युवक संघ का। ये यहीं के निवासी पूज्य तन सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी संघ की 1946 22 दिसंबर को, और उसके बाद में लगातार चल रहा है। शिविर लगते हैं, उन शिविरों में से एक सी ग्रीष्मकालीन शिविर है ये 11 दिन का शिविर है। और आज कल इसका समापन है। क्षत्रिय युवक संघ का ऐसे शिविर लगाने का उद्देश्य क्या रहता है? क्षत्रिय युवक संघ का उद्देश्य तो जो जिन्होंने स्थापना की थी उन्होंने जो हमको बताया वही हम आपको बता सकते हैं कि क्षत्रियों का उज्ज्वल इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 200-300 साल से जब से अंग्रेज आए मुसलमानों तक भी ठीक था, लड़ते रहे, अपने धर्म का पालन करते रहे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में सब कुछ भूल गए और अपने मार्ग से च्युत हो गए। ऐसी अवस्था में जब देश आज़ाद होने वाला था उससे पहले ये कल्पना पूज्य तन सिंह जी ने की आज़ाद हो जाएगा, इसको संभालेगा कौन, आज तक पहले क्षत्रिय संभालते आए थे, क्षत्रिय इस योग्य रहे नहीं हैं, तो क्या उनको योग्य बनाया जा सकता है, उनको क्षत्रियोचित संस्कारों से सिंचित किया जा सकता है, इस बात को लेकर के ये स्थापना हुई। और तब से लेकर के दो तरह के कार्यक्रम चलते हैं, एक दैनिक अभ्यास कराते हैं 1 घंटे का, वो जिसको शाखा कहते हैं, संघ की शाखाएं हैं, और दूसरा है अनेकों शिविर लगते हैं 4 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, छोटे बच्चों के 2 दिन के, और फिर जो अभी विवाह नहीं हुआ है उन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे क्षत्रिय बनने में कहीं बाधा ना आए, उनके शिविर अलग लगते हैं। विवाहित लोग हैं उनके दंपत्ति शिविर लगते हैं, न्यूली मैरिड अप टू 35 और 35 to 50 एंड 50 एंड एबव, इस तरह के जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो आ सकते, उसमें सभी लोग आते हैं, जो हमारे समाज के दूसरे लोग हैं जो शिविर नहीं करते हैं, संघ में नहीं आए हैं, इन संस्कारों की ज़रूरत उनको भी है। और फिर बालिकाओं के शिविर लगते हैं, उनके भी इसी तरह से लगते हैं। इस शिविर में अभी आपने सुना होगा कितनी बताई, 550 से थोड़ी ऊपर है अभी, कुछ लोग आज कल किसी के एग्ज़ाम है और इसलिए 10-1 लोग चले गए हैं, 570 टोटल संख्या थी। गुजरात से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, हरियाणा से है, शेष राजस्थान के लोग हैं। ज़्यादा काम राजस्थान में चलता है, दूसरे नंबर का वहाँ चलता है एमपी, गुजरात में, फिर थोड़ा चलता है। सभी जगह उनका उन्नयन होना चाहिए, जो उनका देश में रोल रहा है देश की रक्षा करने में वो किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए अभ्यास करें। वर्तमान राजनीति में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? धार्मिक कट्टरता किसी भी प्रकार की हो वो खतरनाक होती है, वो देश को जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। हम इस प्रकार की कोई कट्टरता नहीं रखते, यद्यपि हम क्षत्रियों का ही संगठन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आकर के हमारे शिविर में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि बात हम क्षत्रियों की करते हैं और क्षत्रिय का राष्ट्र की रक्षा से जीवन जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमको कोई संकुचित नहीं कह सकता। क्षत्रिय वो है क्षताति कल त्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षय से बचाता है, जो दुष्ट लोगों से सज्जनों को बचाता है, वह क्षत्रिय है। लोगों के सुख है, वो सुख बढ़ सके, दुख घट सके, उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं। सर, क्षत्र धर्म है या फिर विशेष वर्ग? मुख्य बात क्षत्र धर्म है, वो मुख्य केंद्र में है। क्षत्रिय की परिभाषा वर्तमान दौर में कैसे मान सकते हैं, कौन क्षत्रिय है? वर्तमान में कोई तलवार नहीं उठा रहा है, इसमें क्षत्रिय कैसे किसको माना जाए? तलवार का क्षत्रिय से कोई संबंध नहीं है जी। गीता को आप पढ़ेंगे तो क्षत्रिय की परिभाषा दी है, क्षत्रिय के कर्म बताए हैं, उसका धर्म बताया है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजन, जिसमें ये गुण हैं और ये कर्म करता हो वो क्षत्रिय है, वो कर नहीं रहे तो
तो उनको राजपूत तो कह सकते हैं लेकिन क्षत्रिय नहीं कह सकते। क्षत्रियों का अभाव हो रहा है और आवश्यकता है। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं जी, क्या क्षत्रिय युवक संघ किसी भी प्रकार का सरकार को अल्टीमेटम, चेतावनी या सरकार ने कोई मांग नहीं मानी है, इसको सरकार को लेकर क्या रुख रहेगा? हम कोई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। सरकारें हैं, पार्टियां हैं, पार्टियां अपने ढंग से चुनाव लड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे लोग इस प्रकार के विवाद में न पड़े, जिनको जो ठीक पसंद हो उस आदमी को वोट दें। क्षेत्रीय जो भी क्षेत्रीय नेता उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं उनको यही है, जो क्षत्रिय संघ में बुला करके उनको बताते हैं कि ये क्षत्रिय संघ है, आपके आपको तो हम क्षत्रिय ये मानते ही नहीं है, ये उनको कह सकते हैं हम नेताओं, क्योंकि उस मार्ग पर नहीं है। आप तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, देश की नाम लेते हैं। भारतवर्ष में कोई भी आज राष्ट्रभक्त नहीं है, कुछ लोग हैं, गिनती के हैं, और वो आज़ादी के समय भी थे तो वो तो सब भ्रष्ट हो गए। इसके बाद में नए पनपे, उनमें से कुछ लोग जिनको कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्त हैं, बाकी या तो पार्टी भक्त है या नेता भक्त है या पेट के भक्त है। सर, धर्म की क्या परिभाषा है? बड़ा जटिल विषय है, ये दार्शनिक विषय है। धर्म को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं तो धर्म वह है जो एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। अनेकों परिभाषाएँ आई हैं, जो हमको धारण करता है वह धर्म है, जो हमारी रक्षा करता है वह धर्म है, ऐसे नियम जिनके ऊपर हम चलें। तो परिभाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जिसको धर्म मान रहे हैं मैं उनको कुछ कहूँगा नहीं। किसको धर्म मान रहे हैं? कोई बछड़े को मान रहे हैं, कोई चींटी को धर्म मान रहे हैं, कोई गाय को मान रहे हैं, कोई पीपल को मान रहे हैं, मैं उसको धर्म नहीं मानता।